नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मणिपुर में लगी हिंसा की आग से पूरे देश की राजनीति में धुआं उठ रहा है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हो रही है। इसका असर दिल्ली से बाहर भी दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर मणिपुर मामले में सदन में चर्चा नहीं करने का आरोप लगा रहा है। राज्यसभा में मणिपुर को लेकर हो रहे हंगामे के बीच मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल के दिमाग में सिर्फ राजनीति का कीड़ा कुलबुला रहा है। मणिपुर के मामले में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि मणिपुर की घटना को दबाने के लिए बीजेपी मणिपुर में अपनी नाकामी छुपाने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का क्या नाम ले रही है। भूपेश बघेल के मुताबिक मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कहा कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही हैं। वहीं पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना को किसी से जोड़कर देखा नहीं जा सकता, मणिपुर की घटना की हम भत्सना करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल का बयान एर्राबोर की घटना पर नहीं जाता। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुनील चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं अजय जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा कि मणिपुर मामले को लेकर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि बीजेपी वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेती है, जहां पर दोनों राज्यों में आपकी सरकार है। विषय पे आपने डिबेट रखी, मेरा समय निवेदन है कि थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, आज देश का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य जिसे देश का संविधान आर्टिकल 371C के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा देता है, वहां के राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके ने आज मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वहां पर लगभग 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 5,000 से ज्यादा घरों में आग लगाई गई है, 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में मौजूद हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो मणिपुर छोड़कर दूसरे राज्यों में विस्थापित हो चुके हैं और उनका दर्द दिखता रहा। उन्होंने चैनल पे से कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को, गृह मंत्रालय को पूरी विस्तृत रिपोर्ट, सारी जानकारी वो लगातार देती रही। उसके बाद भी आज 80 दिन हो चुके हैं, ना वहां हिंसा रुकती है। सबसे महत्वपूर्ण, आज 3 महिलाओं को निर्वस्त करके जिस प्रकार से बदसलूकी की गई, न केवल देश में पूरे विदेशों में, आज छत्तीसगढ़ देश की जो है अस्मिता को सीधा सीधा चोट पहुंच गई। आज ये कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग जब महिला की बात आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं इनके लिए, आज उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार होते। ठीक है, मुद्दे पे आ जाऊं। आज कहीं ना कहीं पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से की, उस बाद इनका केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं, उसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया में स्पष्ट रूप से लिखा कि अब छत्तीसगढ़ की बारी है। ये तीनों संकेत दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में 100 दिन से भी कम बचे हैं, छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशांत करने का या सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश और षड्यंत्र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता करने वाले हैं, हमें पूरा अंदेशा है। और हमारी जो जो CID है और यहाँ के जो इंटेलिजेंस है उनको भी जो इनपुट मिल रहा है, सीधा सीधा हमको ये सूचनाएं। रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता। देखिए रमन सिंह जो है ना पूरी तरह खाली हो चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्याय बना के झुंझुना पकड़ा दिया गया है। किसी भी राज्य में कोई चुनाव होता है कोई महती जिम्मेदारी नहीं मिलती, आज मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाना नहीं चाहते, पूरी तरह से साइलेंट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के विवादास्पद बयान बिना सोचे समझे बेहूदे बयान देके चर्चा में रहने का प्रयास करें। ठीक है, अगर अपराध की बात हो रही तो कुछ चीजें और स्पष्ट कर दूं। आज देखिए NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट, पांडे जी ये पूरे देश में अपराध के आंकड़े देते हैं। आज 2000 जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महिला से जुड़े अपराध में पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ था वो 5वें स्थान पे था। हमारे लगातार प्रयासों से
यहाँ पुलिसिंग की व्यवस्था से, लगातार गृह मंत्रालय की संवेदनशीलता से वर्तमान में छत्तीसगढ़ महिला से जुड़े अपराधों में 18वें स्थान पे, 5वें से हम 18वें में आ रहे हैं, दिखता है कि अपराध कम हो रहे हैं। दूसरे के कुछ आंकड़े और, महिला से जुड़े अपराध में, 10 सेकंड बोलिए बोलिए, महिला से जुड़े अपराध में 72% की कमी, बलात्कार के मामले में 62% की कमी, सामूहिक बलात्कार में 69% की कमी, दुष्कर्म के मामले बताया कि हमने जो पहले इनके 5वें था अब 18वें पे आ गए। महिला से जुड़े अपराध जो है लगातार कमी आ रही है, 2016, 17, 18 उसकी मुकाबले जो 450 में अपराध की हो रही है वो काफी कमी है। 27,000 महिलाएं पांडे दिन के समय गायब हो जाती है, महिला कांस्टेबल का बलात्कार होता तो उसे रिपोर्ट नहीं लिखते। आज झलियामारी में जिस प्रकार से आदिवासी बच्चियों का यौन शोषण होता रहा, आज कहीं ना कहीं रमन सिंह के पूर्व ओएसडी ओपी गुप्ता लगातार बलात्कार करते रहे, राजनीतिक संरक्षण का कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार बनते ही हमने, चलिए मैं सुनील जी से पूछता हूँ कि क्या सुनील जी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर मणिपुर में कांग्रेस होती तो बीजेपी पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाती और अस्त व्यस्त हो गया है, सब बिगड़ गया है, वहां पर आपकी समर्थित सरकार है इसलिए आप लोग वहां के मामले में सॉफ्ट हैं, उस तरह का बयान नहीं दे रहे? देखिए ये कहना बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आकर के कहा है कि मणिपुर में जो घटना घटी है वो कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता। भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सर जो है वो शर्म से झुका है। हमने स्वीकार किया इस बात को कि ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं, देखिए कांग्रेस का चरित्र कैसा है, ये हमेशा छोटा बड़ा और सेफ साइड खेलने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, आप देखेंगे कि 5 साल की 6 साल की बच्ची, अबोध बच्ची, पहली क्लास की पढ़ने वाली, उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म हो जाता है और सरकार को पता नहीं चलता, उसको छुपाने का प्रयास वहां पर किया जाता है और आज तक अपराधी पकड़ाए नहीं। वो बच्ची के जब घर वाले आते हैं तो बच्ची बताती, जब उसने अधीक्षिका को बताया तो उसने कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। वो दर्द से कराहती रही अपनी उसकी माँ जो है उस दर्द को महसूस करी, तब हॉस्पिटल लेकर के गए तो पता चला उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है तो छत्तीसगढ़ में भी जो घटनाएं घट रही है और लोग नंगे दौड़ रहे हैं सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या छत्तीसगढ़ कहीं पर भी घटना घटती है तो वो घटना मानवता को शर्मसार करती है। लेकिन आप देखेंगे कि यदि छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ये इनके सरकार के आंकड़े हैं, ये 20 जुलाई 2023 विधानसभा के प्रश्न उत्तर है, इसमें लगातार दिया हुआ है। आत्महत्या के प्रकरण 2019 में 7,629, 2020 में 7,710, 2021 में 7,828 और 2022 में 8,446 और 1 जनवरी से 20 जून तक 3,416। वैसे ही अगर मैं बात करूं, मुझे एक बात बताइए, सुनिए तो सुनील जी, क्या हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है छत्तीसगढ़ में भी अगर कुछ गलत होता है तो जाहिर सी बात है उसका दुख दर्द हम सभी को होगा, पर इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि क्या ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये आरोप कांग्रेस आप लोगों पर कई दिनों से लगा रही है। देखिए कोई डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है। आपने देखा जब सदन में चर्चा की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो आग्रह किया उसको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन ये घटना पर उस विषय पर बहस नहीं, किस क्लॉज में बहस होना चाहिए उसमें सदन को बाधित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से कहा है कि मैं सदन पे चर्चा करूंगा सारे देश के सभी विषय पर, मणिपुर ही क्यों, राजस्थान में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सभी विषय पर बात होनी चाहिए। क्या बंगाल का वीडियो आपने नहीं देखा, क्या आपने राजस्थान का वीडियो नहीं देखा, क्या आपने छत्तीसगढ़ का वीडियो नहीं, जो भी घटना घट रही है उसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं, इसमें देश शर्मसार होता है। लेकिन आप चेहरे देख देख करके कार्रवाई न करें, कहां है राहुल गांधी जी, कहां है प्रियंका गांधी जी, क्यों नहीं आते सुकमा, अरे हरियाणा क्यों नहीं आते सुकमा, सुकमा मणिपुर जाकर के आप नाटक कर रहे थे, बंगाल क्यों नहीं जाते, बंगाल क्यों नहीं जाते, राजस्थान क्यों नहीं जाते, मतलब सुनील जी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस स्पेसिफिक सियासत कर रही है जिन राज्यों में,
हाँ बिल्कुल कर रही है, ठीक है, पुष्टिकरण की राजनीति है इनकी। ये उन्हीं राज्यों में बात करते हैं जहां पर इनको लगता है कि आरोप लगाया जा सकता है। अब हम स्वीकार कर रहे हैं, सवाल कर लेते हैं अजय जी, हम स्वीकार करते हैं कि ये ठीक है, ठीक है, होनी चाहिए। पर आज तक मैं आता हूँ सर आपके पास जी, छुपा रही थी सरकार, सोई हुई है, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ, कोई व्यवस्था नहीं। पांडे जी शांत करेंगे, ठीक है, ठीक है, सुनील जी मैं आता हूँ आपके पास जी। सर आपको एक बार फिर से हम चर्चा में जोड़ते हैं। तो अजय जी जो बात आप लोग कर रहे हैं, लगभग लगभग बीजेपी भी वही बात कर रही है कि आप लोग भी स्पेसिफिक सियासत कर रहे हैं, जिन जगहों पर आपको लगता है कि यहाँ बयान देना चाहिए वहां के लिए दे देते हैं, और बाकी जगहों पर आप थोड़ा सा होल्ड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वैसा कुछ कर रहे हैं। लगभग लगभग सुनील जी की बातों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं पांडे जी सबसे पहले ना अभी शुरू करूंगा ना, जैसे ही मैं सच्चाई बोलना शुरू करूंगा इनकी बकरा सब, मैं सारे चैनल बैठता हूँ इनके साथ, मेरे छोटे भाई से निवेदन है, मैंने पूरी शांति से आपकी बात सुनी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए आज मुझे बता दीजिए पांडे जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज तक देश के इतिहास में किसी भी राज्य में लगातार 80 दिन तक हिंसा हुई है क्या? मुझे आज तक इतिहास में कोई घटना बता दीजिए। पहली बात, आज हमारे राहुल गांधी जी मणिपुर जाके जनता के बीच जाकर शांत करने का प्रयास करते हैं, इन्हीं के केंद्र की मोदी सरकार उकने को रोकने की साजिश और षड्यंत्र करते हैं। दूसरी बात, आज इन्हीं के राज्यपाल जो एक संवैधानिक मुखिया है अनुसूया उइके, जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, मीडिया के इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं, ये जो आंकड़े थे ना मेरे आंकड़े नहीं है, ये उनके आंकड़े हैं कि भैया 150 लोगों की मौत हो जाती है, 6,000 से 7,000 लोग राहत शिविर में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कर्नाटक की चुनावी सभा रोड शो के समय है, आज मध्य प्रदेश जाने का समय है, छत्तीसगढ़ में 100 दिन बचे यहाँ आके रैली यहाँ सभा संबोधित करने का समय है, अमेरिका जाने का समय है, इजिप्ट के दौरे का समय है, फ्रांस के दौरे का समय है, लेकिन जहाँ मणिपुर देश का प्रमुख हिस्सा आज हिंसा के दौर से गुजर रहा है, हिंसा की आग भड़की हुई है, वहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाना नहीं चाहते। आज बड़े बड़े दावे सुनील चौधरी जी कर रहे हैं, क्या संसद में चर्चा हो रही है बता दीजिए? लगातार इंडिया 26 विपक्षी दल लगातार आग्रह कर रहे हैं, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी लापरवाही नहीं है, तो संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और कर दूं पांडे जी, आज हम चाहते हैं कि आर्टिकल 267 के तहत संसद में बहस हो, ताकि इसकी समय सीमा ना हो, हर विपक्षी दल पूरा खुलकर इस पर अपनी बात रखना चाहता है। अगर आप में नैतिक साहस है तो स्वीकार कीजिए, आप 176 की शर्त क्यों लागू करते, क्योंकि आप 2 घंटे के समय में उसको सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि देश के जनता के सामने सही तथ्य पहुंचे। और देखिए ये चरित्र छत्तीसगढ़ में नहीं केंद्र के मोदी सरकार का है, आज देखिए कठुआ की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, आधी रात को पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया जाता है, आज महिला पहलवान सड़कों पे है, उनका यौन शोषण किया गया, आज FIR में स्पष्ट रूप से दिल्ली पुलिस स्वीकार करती है, क्या ब्रिजभूषण में कार्रवाई हो रही है मुझे बता दीजिए चैनल में। दूसरी बात, आज छत्तीसगढ़ की बात करूं, आज ओपी गुप्ता लगातार नाबालिग का यौन शोषण करते रहे, क्या रमन सिंह ने कोई कार्रवाई की? 27,000 महिलाएं लापता हो गई, क्या आपने कार्रवाई की? अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मैं 10 सेकंड कंप्लीट करूं फिर आपके जवाब दूंगा। हां जी सुनिए, तो मैं उसी 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 दरमियान ही बोल रहा हूं कि अगर पीयूष गोयल जी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लेते राज्यसभा में तो क्या आप लोग इतना आक्रोशित नहीं होते? ऐसा मतलब नहीं, देखिए मैं हमारा जो लगातार बयान है हमारे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की बात नहीं, आज पूरे देश का विपक्ष, न केवल कांग्रेस पार्टी, इंडिया जो 26 विपक्षी दल है, जब से देखिए सबसे महत्वपूर्ण पांडे जी 4 मई का वीडियो है, आप बता दीजिए 4 मई का वीडियो, क्या केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय दो, देखिए दो बातें हो सकती है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमको सूचना नहीं थी, अगर आपका सूचना नहीं थी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी है, केंद्रीय गृह मंत्री है, आपकी जवाबदारी नहीं थी क्या आप इस घटना की जानकारी लें? और दूसरी राज्यपाल महोदय स्पष्ट रूप से कह रही है कि मैं लगातार सूचना और जानकारी दे रही हूँ, उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार गृह मंत्रालय क्या सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करता? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका इंटेलिजेंस विफलती है। दूसरा देखिए 4 मई के पहले सबसे महत्वपूर्ण घटना बता दूं पांडे जी, तत्कालीन DGP जो किसी विशेष समुदाय से नाम लेना उचित नहीं मानता, उनको जानबूझकर उनके पद से हटा दिया गया, ताकि जो ये सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जो दो समुदाय के बीच की हिंसा हो रही है, उसको खुलेआम सपोर्ट किया जा सके। आज देखिए पीड़ित महिला ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस वाले उनको गांव से ले जाके महिलाओं को जाके आज जो सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे थे उनको जाके सौंप देती है, क्या सरकार के समर्थन में हो सकता है मुझे बता दीजिए? आज माननीय प्रधानमंत्री जी दुख प्रकट करने पे होगा, क्या माननीय मुख्यमंत्री भी कोई कार्रवाई की इन्होंने?
कोई सख्त एक्शन लिया गया? क्या पुलिस में कार्रवाई हुई? तो प्रशासनिक कार्रवाई? तो राजनीतिक पाखंड और ढोंग ना करे बैठ के? क्या जिम्मेदारी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी? चलिए मैं पूछ लेता हूँ, क्या जिम्मेदारी है? वहाँ पे भी मणिपुर हिंसा की चर्चा होती है, ठीक है, देश का सर हो गया भैया, सुन लो, और माननीय प्रधानमंत्री ने पूछ लिया कैसे? चलिए मैं पूछ लेता हूँ। तो सुनील जी, तकरीबन 3 मई से, लगभग 3 मई से मणिपुर इस तरह से हिंसा की आग में जल रहा है। 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर किसी तरह से राहत शिविर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। और ये जो कुकी और मैतेई के बीच ये जो जातीय संघर्ष चल रहा है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने देश के नाम जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि घटना मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, शर्मसार 140 करोड़ लोगों को होना पड़ रहा है, आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, दुख प्रकट करने हाँ, से नहीं होगा। ठीक है, मैं सुनील जी से वही चर्चा कर रहा हूँ। अजय जी भैया तो बोलना, आराम से सुनेंगे। हाँ बोलिए, मैंने एक शब्द नहीं बोला है, बिल्कुल इनको भी बोलना, बड़े सुकून से सुनेंगे, नहीं तो इनको भी बड़े उन्माद आता है वैसे भीड़ के जैसा। बोलिए बोलिए सुनील जी, प्लीज हम लोग से, मैं क्रम से जवाब दे रहा हूँ। ये अभी कह रहे थे कि सांप्रदायिक हिंसा की बात कर रहे थे, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 1984 का दंगा कितने दिन चला था भाई साहब, और कितने लोगों को जला दिया गया था, कितने लोगों को निर्वस्त्र करके उनके साथ क्या घटना घटी थी। सुनील जी, सुनील जी मेरी बात तो सुनिए, सुनील जी उग्र मत होइए, सुनिए। कश्मीर में घटने घटती तो घटना नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री के विचारधारा के लोग वहाँ पर होते हैं। मैं चाहूंगा अजय जी, आप एक 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 मिनट, अजय जी, सुनील जी, एक मिनट, अब आप लोग थोड़ा सा मेरी सुन लीजिए। मेरा सीधा सवाल सुनील जी इसलिए नहीं था कि आप मुझे 1984 और ये सब हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पुराने समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको पता है, इतिहास में सब कुछ दर्ज है। लेकिन यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाह रहे कि मणिपुर 100 इतने दिन चलेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने तो बड़ा लंबा चौड़ा तुलनात्मक बताया। उस समय आप विपक्ष में थे ना, कहीं ना कहीं आप लोगों ने विरोध किया होगा, वो उस समय के लिए प्रस्तुत हो गया, खत्म हो गया। देखिए, हाँ बोलिए, कहा घटना बता दीजिए, स्थिति पेपर चला था, मैं तो बता रहा हूँ 1947 में क्या स्थिति थी, 1984 में क्या स्थिति थी, मणिपुर की बात कर लीजिए, कश्मीर में। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के पास लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ, चर्चा को जारी रखेंगे। प्रमुख बयान आपको सुनाते हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हमारे दर्शकों को। जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देखते हैं, गंभीर समस्या है, संवेदनशील विषय, और सरकार इसके लिए तैयार है। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे, मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो दो आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें। कि ऊपर से नीचे आती है, वो वही भाषा सभी लोग, इनके नेता लोग बोलते हैं। आज के दिन आप दुनिया को क्या गुमराह करना चाह रहे हैं, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? आप लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोग क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगे? छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त करेंगे कि मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ को कंपेयर किया जा रहा है? ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं पीयूष गोयल जी। अलग है, हम चाहते हैं कि इसको हम संसद में उठाएं, क्योंकि संसद चल रही है, वो एक उचित फोरम है। वहाँ पर हमने डिमांड किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर वहाँ वक्तव्य दें, वहाँ पर डिस्कशन हो। डिस्कशन होगा तो छत्तीसगढ़ का मामला भी हम वहाँ पर उठाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने कैसे कंपेयर कर लिया छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ। मणिपुर में आग लगी हुई है, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आग बुझाने की, मलहम लगाने का कोई प्रयास वहाँ नहीं हो रहा, उल्टा यहाँ पर आकर भड़काऊ बातें की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? खड़गे जी ठीक है, प्रधानमंत्री जी बयान दे,
चर्चा करने के तैयार हैं, वो क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी सी बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, दुनिया भर के देश में वो दौरा कर सकते हैं, तो सदन में वो क्यों बात नहीं करते? तो यही बात तो खड़गे जी कह रहे हैं, जाना चाहिए, राजनीतिक दल के लोगों को जाना चाहिए। किसी घटना का किसी से संबंध नहीं, मैं मानता हूँ मणिपुर की घटना की निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना सभी ने किया, भारतीय जनता पार्टी भी खुले रूप से पूरे देश में ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करता है, अमानवीय कृत्य है उसका। मगर भूपेश जी से ये प्रश्न होना चाहिए, इतनी बड़ी घटना एर्राबोर में जो हुई है उसके लिए उनके पास शब्द नहीं है, उस बच्ची के लिए पीड़ादायक शब्द नहीं है, उन अपराधियों को पकड़ने का वक्त नहीं है, ऐसा करें। और जहाँ तक सवाल है तुलना करने का, तो छत्तीसगढ़ के हालात जिस प्रकार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, महिलाएं जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में असुरक्षित है, जिस प्रकार की रोज घटनाएं हो रही है, ये सारी रिपोर्ट पे आए। तो ये बयान आपके सुनने के लिए भी बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर ये जो सियासत है इसका मूल कारण क्या है। एक बार फिर से चर्चा में जुड़ते हैं। जी सुनील जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए, अभी आपने जो बयान सुनाया स्पष्ट है, हमारे केंद्रीय मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इनको खाली हंगामा करना है तो ये हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्लॉज पे क्या है, आप विषय पर बात कर लीजिए, सरकार तो तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन आप उसमें बात नहीं करेंगे, आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें कि सत्ता का दंभ कितना है, विधानसभा में स्थगन लाती है भाजपा किसी विषय पर तो ये 71 विधायक का दंभ भर करके उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, आप भूल कर आरोप लगा रहे, जबकि हमारे केंद्रीय मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि हम बोलने के लिए देंगे और छत्तीसगढ़ में आप बोलेंगे। अरे भैया, इनके राज्य के जो है पूर्व एनओसीआई महासचिव रुहाब मेमन काके में 20 वर्षीय कॉलेज की लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। मनेंद्रगढ़ जिले के युवा कांग्रेस विंग के अध्यक्ष शहनवाज 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। और उसके अलावा सायर गांव में 11वीं कक्षा की पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ स्थानीय कांग्रेस के नेता बलात्कार करते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या 5909 बलात्कार हुए छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार में, 5909 बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ, युवा नंगे दौड़ रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा। अरे भैया, ये क्या है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था? रोज आप देखेंगे अखबार में एक खबर रहती है कि किसी पे चाकू चल गया, किसी से छेड़छाड़ हो गई, किसी से दुष्कर्म, अराजकता का माहौल है। चलिए, मैं अजय जी, समय मेरे पास कम है, सुनील जी ठीक है, ठीक है सुनील जी, अब मैं अजय जी से जवाब ले लेता हूँ, समय कम है। हाँ ठीक है, ठीक है सुनील जी, प्लीज प्लीज मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, प्लीज। चलिए अजय गंगवानी जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ सुनील जी प्लीज बोलिए। देखिए, तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मेरे छोटे भाई सुनील जी। अगर आप सही में संसद में चर्चा करना चाहते हैं, क्या 36 सेकंड, मात्र 36 सेकंड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर की घटना में यह कहना कि मुझे बड़ा दुख है, 140 करोड़ जनता शरण से झुक गई, क्या ये पर्याप्त है? मुझे बता दीजिए, क्या छत्तीसगढ़ मेरे पास अब चर्चा का समय खत्म हो चुका है, मैं बहुत आप दोनों को रोकना चाहता हूँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। मणिपुर जल रहा है, सही में किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस पर सियासत भरपूर हो रही है, ये बात भी नहीं छिपी, कब तक जारी रहेगी पता नहीं। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।